नींद आई आपको आज? कल रात तो नींद आई थी, फिर कैसी नींद आई? बेड था वो हमारा तख्ता था, लेकिन फिर भी हमें नींद बहुत लगी। हाँ भी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेकिन जो रात की इन्फॉर्मेशन थी ना कि हम लोग पीर चिनासी आ गए थे रात को ही, और हमारा प्लान था कि हम कोई पीर चिनासी में किसी अच्छे रिजॉर्ट में ठहरेंगे, लेकिन वो जो हट्स हैं ना वो एक्चुअल में ये थे, आप देखें छोटे छोटे हट्स थे और इनके अंदर बस स्टे था हमारा रात का पीर चिनासी में। और आप सुबह का मंज़र देखें, अभी वो पहाड़ों पर अभी तक बर्फ़ है, वो दूर दूर तक पहाड़ों पर ना। ये पीर चिनासी टॉप्स है ना, ये वो सामने देखें मकड़ा पीक नज़र आती है, पीछे मूसा का मसल्ला है, ये गंजा पहाड़ है, ये जो मुजफ़्फ़राबाद की सराउंडिंग है सारे ऊंचे पहाड़ी हैं, उस तरफ सारा केपी है और यहाँ कश्मीर है, और इस तरफ वो मरीन नथिया गली वाला एरिया है, इस तरफ लिपा वैली जा रही है और इस तरफ ये सारा नीलम वैली है। अच्छा, हम शायद लास्ट टाइम इस गंजे पहाड़ के ऊपर गए थे हाइकिंग करके ना, पीछे ये सामने वाला है। हाँ, रास्ता बना हुआ थोड़ा सा, ये सामने वाला। हाँ, ये बना हुआ है इसका। हाँ, ये तो रोड ट्रैक जा रहा है ये सामने। यहाँ पे भी काफ़ी फेमस एक मज़ार है पीर चिनासी में ना, ये वो, तो वहाँ तक ज़रा चक्कर लगा के आते हैं मज़ार से, वहाँ भी देखते हैं। किसी पुराने बाबे की कब्र है यहाँ पे ना। बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे ना टॉप पे, देखें दो दिन पहले रात हुई सुने यहाँ बर्फ हुई थी, सामने कई जगहों पर अभी भी स्टिल बर्फ पड़ी हुई है। ये है जी मज़ार, ये अंदर मज़ार है हज़रत पीर सईद शाह हुसैन बुखारी पीर चिनासी, और इसके अंदर मेरे ख्याल अंदर कब्र होगी, और यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जूते उतार के अंदर जाएं सारे। ये है जी मज़ार। नीचे पुलिस वालों का छोटा सा सेटअप है, और ये लोकल एरियाज हैं, होटल वगैरह। लेकिन ये है कि ये जब यहाँ पे सीज़न होता है तो यहाँ पे रौनक होती है, लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे। और ये नीचे जो है ना सारी की सारी मुजफ़्फ़राबाद की वैली है, इस तरफ जो है ना नीलम वैली है, इस तरफ लिपा वैली है, और वहाँ पे एक दो छोटे छोटे मेडोज़ बने हुए जहाँ पे आप हाइकिंग करके वो सामने जा सकते हैं। थोड़ा दरूद जो है पढ़ के आते हैं, वैसे लिखा हुआ वीडियो ना बनाएं, लेकिन इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है मेरे ख्याल से। ये है जी दरबार पीर चिनासी, ये देखें जी टिकटॉक बनाना मना है। अच्छा, ये है जी, ये जी एक्चुअल कब्र है जिसकी भी है ना, कि सुना है कोई बुजुर्ग वगैरह थे जिनकी कब्र है, इसके अंदर ही पूरी बनी हुई है। फिर डेकोरेट किया है इसके अंदर से, वैसे तो मुझे नहीं पता कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अलाउ है क्या नहीं, लेकिन लोग बस मज़ारों को इस तरह सजा देते हैं लोगों के ना, जो ज़रा नेक आदमी होता है। इधर भी कुछ है, ये भी शायद कब्र ही है, वैसे लोग दिए लोग जलाते हैं ना। एक्चुअल उनका नाम था हज़रत पीर सईद शाह हुसैन बुखारी पीर चिनासी। अच्छा, ख़वातीन का अंदर जाने नहीं जाने देते, जाने क्यों? क्यों ये मज़ार तो वैसे हर चीज़ जगह मना है, तो वो भी चंदा भी है। दुआ कर लें थी, वैसे फातिहा पढ़ लें थी।
दुकानें काफ़ी हैं इस तरह के ढाबे वगैरह यहाँ बने हुए हैं। जैसे जैसे अभी थोड़ा दिन होगा ना रौनक आएगी यहाँ पे, और इनकी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, ईजिली खाना छाना यहाँ ईजिली मिल सकता है। भी पीर चनासी के अंदर भी इतना मज़े का नाश्ता कि मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। क्यों भाई नाश्ता मज़े का? बहुत मज़े का नाश्ता, बहुत ज़बरदस्त, गरम गरम पराठे, गरम गरम आमलेट और चाय के साथ, और ठंडी ठंडी हवा भी है, बर्फ के अंदर ये बैठ के नाश्ता आपको बहुत मज़े का। फिर फाइनली पीर चनासी को एक्सप्लोर करना था, लेकिन ये बहुत ठंडा एक्सप्लोर था हमारा, नाइट भी बहुत ठंडी थी, बर्फ भी थी, और इसे कहते हैं ना कि, लेकिन फिर भी एक अच्छा एडवेंचर था। सुबह नाश्ता भी अब कर लिया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो नॉर्मली यही एक जैसे कहते हैं अच्छी फील आपको तब भी आती है जब आप किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं ना, आपको स्नो भी मिले, ठंडी हवा भी मिले, और वहाँ भी कोई अच्छी जैसे ना कि रहने का खाना पीना अच्छा मिल जाए। तो पीर चनासी आप कह लें कि वन ऑफ द टॉप हिल स्टेशन में से है पाकिस्तान की, जहाँ पर ईजी एक्सेस है, आप गाड़ी से पहुँच सकते हैं, क्लोज़ टू 10,000 feet या हाई एलिवेशन के ऊपर है, और ये अच्छा रिजॉर्ट है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा मज़ार है, और बस आप आगे टॉप इन्जॉय करें, ज़्यादा आप पैराग्लाइडिंग यहाँ से कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए अभी तकरीबन 10 बजे हैं, 10 बजे का टाइम है, 8-10 बजे हैं, तो अब बस यहाँ से निकलेंगे पीर चनासी से। अभी देखते हैं एक आधी जगह और भी, उसको भी एक थोड़ी सी हाइक है यहाँ पर मेडोज़ तक, वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अल्टीट्यूड कितना सर? ये तकरीबन 9,900 feet के ऊपर है।